हेलो गाइस, वेलकम टू आर न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज जैसे आपको पता है स्कूल ओपन हो गए हैं। कल तक तो कोई सीन नहीं था कि स्कूल ओपन होंगे, एग्ज़ाम हम ऑनलाइन ही दे रहे थे। तो आज जाना है एग्ज़ाम स्कूल में मेरा। और अभी मैं उठाऊँ, यूनिफॉर्म मैंने चेंज कर ली है और अभी नाश्ता मामा बना रही हैं। तो पहले नाश्ता करता हूँ, क्योंकि नाश्ते के बगैर मेरे से पेपर नहीं होता। पेपर मतलब पहले से पढ़ा ही नहीं जाता। तो अभी नाश्ता बना रही हैं मामा। हम लोग स्कूल के लिए निकलने वाले हैं और शमी तो गाड़ी में बैठ गया है, मैं भी जाके गाड़ी में बैठ। हम दोनों के बस पेपर जो है वो स्कूल में होंगे, आखिरी पेपर है। तो अच्छा ही होगा पेपर, क्योंकि मैंने तैयारी अच्छी की है पहली दफा। हाँ, तो स्कूल थोड़ा सा पास है, तो चलते हो चलते। तो अभी 12 बज चुके हैं और मैं तो बहुत पहले का उठा हुआ हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पबजी वापस से खुल गई है। और अभी टाइम हो रहा है 12:05। तो अभी शामिल भाई और फरिया आपी को पापा लेने गए हुए हैं और अभी वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। और स्कूल वालों ने मेरे साथ की है चीटिंग, बताऊँ क्या? मेरा तकरीबन कल उर्दू का पेपर था, ठीक है, और आज साइंस का होना था। और आज स्कूल मैंने नहीं जाना था, तो शामिर भाई लोगों ने जाना था। और मुझे लगा आज मेरा पेपर होगा, मैं बैठ गया मोबाइल लेके ऑनलाइन एग्ज़ाम का वेट करा। मगर मैम आई नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा। फिर पापा गेम खेल रहे थे थोड़ी सी, तो मेरा भी दिल ललचा रहा था। तो फिर मैंने भी कहा जवापी को के जवापी मुझे भी पबजी खेलनी है। अगर जवापी नहीं मानी, फिर पापा ने कहा के जवापी को, फिर जवापी मान गई, दे दिया मुझे फ़ोन और फिर अब उनकी पबजी स्टार्ट हो गई। तो अभी वो आते हैं, फिर हम लोग उनके साथ बातें करेंगे कुछ। तो अभी जो है शमीर और फरिया जो है वो स्कूल से आ चुके हैं और मामा ने पापा आज कह के गए हैं कि चना चाट बनाओ। तो मामा जो है वो चना चाट बना रही थी, तो मेरे ख्याल में आया, मेरे दिमाग में आया कि गोलगप्पे साथ बना लेते हैं, बस गोलगप्पे और पानी ही रह गया ना। तो मैं गोलगप्पे और उसका पानी जो है वो बना रही हूँ। पानी मैंने बना लिया, आटा जो है मामा गूंद के देंगी, वो अभी हम लोग रखेंगे। और जो है आज खाने में जो है वो बन रही है चने की दाल बनेगी आज। और गोलगप्पे जो है ना वो हम लोग इसलिए बनाते हैं उसके पानी के लिए, जो हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैंने ना आज काफ़ी ज़्यादा बना के रखा है ये पूरा गोलगप्पे के पानी का, और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। तो मामा का जो था वो प्लान था कि वो कढ़ी बनाए, मगर शामिर जैसे ही स्कूल से आया तो उसने कहा नहीं आप चने की दाल बनाओ। शामिर को चने की दाल इतनी पसंद है, हम मरी गए थे तो शामिर ने कहा था मुझे दाल खानी है। मतलब जहाँ हम जाते हैं ना कुछ खाने, शामिर को दाल खानी होती है। और ऐसे ही हमारे घर में हम लोग कढ़ी वगैरह भी इतने शौक से नहीं खाते, तो मामा अपने लिए बस बनाती हैं। और जो है वो गोश्त वगैरह हम कम खाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। वो अगर खाना होता है वो सिर्फ मामा ही खाती हैं और कभी कभी पापा भी खा लेते हैं। ज़्यादातर जो है हमें दाल चावल बस यही चीज़ें पसंद हैं। और फरिया जो है अभी स्कूल से आई है तो टीवी में अर्तुरुल चल रहा है। तो दाल जो है वो बन चुकी है और यहाँ पर साथ प्रेशर में जो है वो चने बॉयल हो रहे हैं और दाल काफ़ी ज़्यादा मज़े की लग रही है। तो अभी शामिर भाई भी आ चुके हैं और अभी हमने जो है ना ये मंगाए, ये क्या कहती हैं, स्टार्स हैं, जो रात को लाइट में ना इसकी रोशनी होती है। तो ये मैंने 100 पीसेस मंगाए हैं ऐसे। तो ये जब मैं अपने रूम में लगवाऊंगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने किस वॉल पे लगाए थे और कैसे लगते हैं, कोई क्यों मिलेंगे। तो ये मैंने अपने लिए मंगाए हैं अपने रूम के लिए। तो ये नीचे गिराई जाओ, ये इसके साथ ये है ना जिसके साथ ये चिपकते हैं वॉल पे, तो ये भी मंगवाए हैं। तो जब मैं लगाऊंगा तो उसकी भी वीडियो बनाऊंगा, शाम को या रात को लगाऊंगा। तो अभी स्कूल से आया हूँ, थका हूँ, तो शाम को।
तो गाइस अभी जो है मामा ने खाना बनाया और ये आज मामा ने बनाई है दाल, चने की दाल, चने की दाल जो काफी ज्यादा मजे की होती है, शामिल की फेवरेट है। हाँ, ये देख के ना दिल में कुछ उठता है खुशी। क्या उठता है? खुशी। और ये है रोटियाँ, ये किसने बनाई है? मैंने। बिल्कुल नहीं अच्छी। चलो अब तो मैंने सीख ली है। चलो आप टेस्ट करके टेस्ट करके बताते हैं ना। रोटियाँ 5 में से 10 में से 5 देंगे। क्यों नहीं? 10 में से 3 सही रहेगा। अच्छा 10 में से 3 सही रहेगा। नाइस जोआ, नाइस काम। तो अभी एक सीन हुआ है, जोआ भी बना रही थी नींबू पानी, आपको शायद वीडियो में आवाज आ रही हो कि वो बहुत ज्यादा जोर जोर का चम्मच चला रही थी, जग में था क्रैक। जोआपी ने इतनी जोर का उस पे चम्मच घुमाया, इतनी जोर का कि वो टूट गया, नींबू पानी चीनी सब जाया। आप दूसरा बना रही है का। कैसा लगा आपको खाना खा के? और वो 10 में से 10। तो गाइस अभी मैं नमाज पढ़ने वाला हूँ, नहा तो मैंने लिया था, स्कूल से आया था तो मैं सीधा नहाने ही चले गया था, तो पहले जाके नमाज पढ़ता हूँ और फिर ऊपर जाके वो जो स्टार्स हैं वो लगाते हैं। तो शामिर और हैदर जो हैं वो भी नमाज पढ़ रहे हैं और ना मैं ऊपर आई हूँ क्योंकि खाना हम लोगों ने खा लिया। और जो उस दिन मैं मेट्रो से बहुत सारी चीज़ें लाई थी वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने कैसे सेट की हैं। तो सबसे पहले कोकोमो बिस्किट, चॉकलेट, टॉफ़ी, निम्को, चिप्स, यहाँ पर भी चिप्स, और यहाँ पर बहुत सारे नूडल्स रखे हैं। और ये सब चीज़ें मैं लेके आई थी और एक एक करके ना, अभी मुझे खाना खाने के बाद आदत है मीठा खाने की, तो मैं चॉकलेट ले लेती हूँ एक। क्या हो रहा है? वो स्टार शामिल ने मंगाया है ना वो लगा रहे हैं, ये ग्लो इन द डार्क है, यानी जब अंधेरा होता है ना तो ये चमकते हैं। और शामिर अब ये स्टार्स लगा रहे हैं यहाँ पर, वो एक लगा भी दिए। ये किसकी आवाज आ रही है? क्या हो गया? ओह ठहर गया गर्मी। तो अभी यहाँ पे शामिर भाई ने लगा दी और मैं सोच रहा हूँ कि उधर तक इनका कद कहाँ से चला गया, मुझे समझ नहीं आ रही हैं कैसे गया शामिर भाई। तो अभी हम लोग, मतलब मामा ने मेरे से पुदीना धनिया मंगवाया है, मगर हमारा धनिया तो अब पता नहीं उग रहा नहीं है, तो इसलिए हम पुदीना ले जाते हैं थोड़ा सा। और टोकरी तो मैं लाया ही नहीं, चलो अभी टोकरी लाता हूँ। पहले मुझे बाउल मिल चुका है तो जल्दी से चलते हैं ऊपर और जल्दी से पुदीना लेके मामा को देते हैं। पुदीना तो मैंने मामा को दे दिया और अभी मुझे यहाँ पर पता चला है कि यहाँ पर गोलगप्पे बनाए जा रहे हैं और हैदर को बताया नहीं है तो इसलिए हैदर नहीं। क्यों, हैदर ने क्या करना था? बनाने हैं। अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है? मैं आपको आज बना के दिखाऊंगा गोलगप्पे। और ये अभी जो है बहुत अच्छा हो गया, ऑयल नहीं गरम करके रख दी है। और एक और कर दीजिए। चलो बस ठीक है, आप छोड़ दो, ये तो बहुत नाइस हुआ। हाँ बहुत नाइस हुआ है, बस अल्लाह हाफिज़। अभी हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं ये शामी जान के साथ। शामी जान का है, शामी जान वो रहे, चले चलो चलो चलो। शामी भाई हमें आज किस चीज की खुशी हुई है? पबजी वापस खुल गई, इसने 1v1 करने, मेरी आईडी का लिंक तो नहीं है, नाम है हैदर की आईडी का नाम है स्केरी छोटा है सरकार बड़ा है, सारा सरकार बड़ा है स्केरी सारा स्मॉल है, और स्पेस नहीं है स्केरी स्मॉल स्पेस कोई नहीं, सरकार पूरा बड़ा स्केरी तो, सरकार हाँ, तो उसको रिक्वेस्ट भेज देना, स्केरी छोटा है और सरकार बड़ा हाँ, तो रिक्वेस्ट हैदर को भेज देना, तो फिर कल वन डे ऑन है तो वन डे खेलेंगे। अभी मैं जोआपी के पास चलता हूँ, जोआपी ने मुझे आवाज़ दी है कि गोलगप्पे अंदर आप डालने वाली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गोलगप्पे को बुरा ना लग जाए। वो वो नहीं सो रहे हैं, भूल गया, मतलब ये छोटा बहुत था मगर, है ना, ज्यादा ही छोटा है, बहुत ही छोटा भाई। ये हमारे गोलगप्पे जो हैं पापड़ी तैयार हो चुकी है, मतलब अभी होने हैं।
सही है। तो अभी जो है कारी साहब भी आए थे, हमने कुरान पाक भी पढ़ लिया और अभी हम लोग देख रहे हैं पबजी। नाइस। अभी जो आप ही गोलगप्पे बना रही है और हम यहाँ पे बैठ के इंतजार कर रहे हैं बेतहाशा, मगर डिश आ रही नहीं है तो हमें बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ा है। हाँ तो भाई कैसे हो आप लोग? 1v1 हो गया तरुण मेरा। 1v1 हो। वन डे रूम बड़ा हमारे पास। M24 हो गया। M24 कल चलेंगे पागल खाने। आप पागल जो होगी आपको दाखिल कराने। हाँ आपको दाखिल कराने। और यहाँ पर अचानक से पापा आए और फिर हम लोग गए थे मॉल, और क्योंकि हमने कपड़े लेने थे अपने लिए मैंने और शामिर भाई ने, और मॉल काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी था, बड़ा भी था, और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। और इस मॉल का नाम था अल जन्नत मॉल, और यहाँ बहुत ही ज़्यादा रोशनी थी ना, और हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। और यहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा कपड़े लिए थे अपने लिए, और बहुत हम लोग आउटफिटर्स गए थे क्योंकि आउटफिटर्स हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं और शामिर भाई हमेशा यहाँ से ही कपड़े लेते हैं, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा था, और यहाँ पर हमने इतनी ना धूम मचा दी ना कि आप लोग सोच नहीं सकते। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश भी थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छे कपड़े थे, और ये शामिर भाई के लिए पापा ने देखी थी, मगर इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी तो इस वजह से हमने ये नहीं ली थी। और यहाँ पर हमने अपनी बिलिंग करवाई और फिर हम लोग दूसरी शॉप पे गए क्योंकि यहाँ से तो हमने कर ली थी। और ये दूसरा मॉल था उसी मॉल के साथ, और ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, और यहाँ से हमने अपने लिए पैंट्स ली थी और शूज़ लिए थे जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मॉल है और हम लोग यहाँ पे आते रहते हैं, और ये गर्ल्स बॉयज़ सारों के लिए है ये मॉल, और यहाँ पर आप अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी ले सकते हैं कपड़े। और बहुत बड़ा था ये, 2 या 3 फ्लोर्स का था। शामिर भाई यहाँ पर अपने फेवरेट जो उनके शूज़ थे वो ट्राई कर रहे थे, और मैंने भी अपने ट्राई किए थे, और ये पापा चेक कर रहे थे, तो मगर पापा को भी बहुत ज़्यादा पसंद आए। फिर मैंने अपने लिए ग्लासेस ट्राई की जो मैं बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, और ये ना मेरे ना नाक के ऊपर पता नहीं है क्या आ गया वाइट सा, तो फिर मैंने अंकल को दी कि अंकल इसे ज़रा हटाएं, तो अंकल ने हटा के मुझे दे दी, और फिर मैं यहाँ पर यबली यबली करने लगा। और यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। ये एक किड्स शॉप थी और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। मुझे यहाँ पर मैकलेरिन नज़र आई है और दुकान, और इसमें हर टाइप की चीज़ थी, जैसे खिलौने हो गए बच्चों के, और मेरी उम्र के तो नहीं थे मगर ये छोटे बच्चों के लिए बहुत इंजॉय करने वाली चीज़ है। और यहाँ पर तुर्गत की कुल्हाड़ी भी थी, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, और शामिर भाई ने और मैंने एक शटल ली थी लाइटिंग वाली, मगर ये काफ़ी ज़्यादा सख्त है तो इस वजह से हमने ये ली थी। और मैं यहाँ पर ऐसे ही फिरा था, फिर हमने शॉपिंग की और हम लोग मॉल से चले गए। हमारी शॉपिंग पूरी हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था हमें, और मुझे तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, और हम लोग थक गए थे शॉपिंग कर कर के, और 2 मॉल्स गए थे हम लोग, आपको पता ही है इतना ज़्यादा थक जाते हैं, तो इस वजह से फिर हम लोग चले गए थे घर, और हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे घर। जोहापी ने गोलगप्पे बनाए थे, और इस मॉल के बाहर सिटिंग एरिया भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और पार्किंग भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी।
एक ऐसी शटर ली है कि मतलब इसकी लाइट भी ऑन होती है, कहीं रात को अगर हम कह रहे हो कहीं झाड़ियों में चले जाएँ तो इसकी लाइट से बंदे को पता लग जाता है कि इधर शटर पड़ी है, तो इसलिए हमने लिया क्योंकि वरना हमारी 3 शटर पापा लाए थे वो सारी घूम गई थी। तो ये हमने लिया है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है नीचे से भी और सही। तो अभी शॉपिंग मॉल था हमने हम गई थे तो आपको भी हमने दिखाया, तो अभी हम आपको कपड़े दिखाते हैं अपने जो हमने लिए हैं। तो ये सर्दियों के लिए मैंने अपने पसंद का आउटफिट लिया, काफी ज्यादा प्यारा है। और ये मेरी शर्ट येलो मेरा फेवरेट रंग है मगर मैं लूडो में रेड अच्छा। ये देखो कितनी प्यारी शर्ट है। और ये है जी उल्टी है ये सेम ही है सेल ऑफ द ईयर मैं पीछे से पाऊं। ये देखो ये भी बहुत अच्छी है। ओए सारा कुछ एक शॉपर में आ गया, चार शॉपर दे दिए तरीके से रखते है ना तुम तो ऐसे गुस्सा रुक जाओ समीर यार इसको कौन खोलेगा। तो जोआ फरिया तो साथ ही गई थी तो मैंने जोआ भी के लिए चूज किया कितना अच्छा है फेमस लिखा है शर्ट शर्ट जो भी है। तो और ये फरिया भी और ये देखो माशाल्लाह से और ये फरिया का जो है पापा ने चूज किया वेलवेट का कोट है सीधा तो करो शादी में जा रही हो। ये जोआ फरिया की शॉल है और ये जो ग्रीन है ये जोआ भी की। अब हमने दो ली थी अब इनकी मर्जी है इन्होंने कौन कौन सी जरा शबर करो ये अपनी अपनी अपने कुछ इस तरह हो रहे और हाँ बेल्ट वाली मेरी है और ये है? ये मेरी बेल्ट वाली मेरी है और ये वाली कार्ड भी मेरी है ये मेरी है और ये वाली भी मेरी है तो मैंने ये बहुत नाइस है ना। अच्छा शर्ट वाली जगह पैंट हाँ इधर इधर लगाते हैं ये ये बहुत प्यारी है माशाल्लाह खूबसूरत। मैंने दो ली है मुझे वैसे ब्लैक भी अच्छी लगती है मगर मैंने कुछ जब ब्लू देखी ना मैंने कहा ब्लैक का पीछे रहो और मुझे ना फरिया का कोट बहुत ज्यादा पसंद आया काश ये मुझे मिल जाता वो दैशी लुक है ब्रो एक दिन फरिया पहन ले शादी पे जा रहा हूँ फिर मजा आएगा पापा क्या है मुझे तो चुभन हो रही है पापा की चॉइस आपको पता बहुत प्यार बहुत अच्छी है अच्छी लेकिन है। आज पता नहीं क्या हुआ अच्छा कोटा ये अब ड्रग डीलर वाले को इसको देना वो टेस्ट करके ला के देगा बड़ा अच्छा लगेगा ये हां बेटा सुन लो हां तो पहन तो लूंगी पापा छोड़ दो बड़े बड़े कोट पहन के फिरती है सर्दियों में गोलगप्पे खाते तो अभी बारी आ गई गोलगप्पे टेस्ट करने की जो साफ ही मेरे हाथ में आए हैं जी बहुत अच्छे लग रहे हैं ट्राई कर लेते हैं आज